Hi guys, it's me Shika. Welcome or welcome back to my channel and welcome to another vlog. Good morning guys. आज का दिन था फ्राइडे एंड आई हैव डिसाइडेड कि अब से मैं रेगुलरली व्लॉग्स अपलोड करूँगी एंड बनाऊँगी भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बनाती हूँ बट मैं अपलोड नहीं करती हूँ बिकॉज मैं उसको अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं करती हूँ या फिर मैं अच्छे तरीके से उसको एंड नहीं करती हूँ. बट आज का व्लॉग मैंने बहुत ही डेडिकेशन से बनाया है, सो मेक श्योर करना कि आप एंड तक देखो. तो सुबह हो गई है, मैं मम्मा के साथ सोती हूँ तो मैं अपने रूम में आई एंड देन मेरा भाई अभी मेरे साथ रहता है, मतलब मेरा कज़न, तो उसको कॉलेज जाना होता है. तो पहले मैं उठी सुबह एंड देन मैंने अपने लिए गर्म पानी किया एंड उसको बहुत जल्दी जाना है तो मैं फटाफट से उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ जो बनाने में भी इजी हो एंड उसको मैं दे सकूँ जल्दी. सो पहले मैंने अपना गर्म पानी तो कर लिया एंड कुछ ऐसे 3 ब्रेड मैं थोड़ा सैंडविच बना दूँगी उसको फटाफट एंड वो चाय पीता है तो चाय भी बना दूँगी. तो ब्रेड को ना ऐसे तो टोस्टर है हमारे पास बट मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी तवे में वो सिक जाता है एंड अच्छा बन जाता है, सॉफ्ट सा भी बनता है, कड़क नहीं होता है बिल्कुल. तो मैं तवे पे उसको सेक रही हूँ एंड ऐसा कुछ होम सा बना दिया है मैंने क्योंकि 3 ब्रेड था तो कुछ ऐसे ही बनाए. 3 ही उसका प्रोपोर्शन है, उससे ज़्यादा खाता है तो नहीं खा पाता एंड कम में उसको भूख लग जाती है. सो मैंने ऐसे चाय तो गिरा दिया बट मैंने उसको अच्छे से साफ़ करा वरना मम्मी निकलते ही मुझे डांटेगी बिकॉज़ मम्मी अभी कर रही है पूजा. हो गया, मैंने उसे सब कुछ नाश्ता दे दिया एंड मैं अब बैठ रही हूँ अपने गर्म पानी को लेके एंड थोड़े से उसके साथ गपशप करूँगी एंड देन आई टेक माई शावर, क्योंकि शावर लेने के बाद बहुत फ्रेश लगता है एंड पूरे दिन में क्या क्या करना है वो सब भी मैं डिसाइड कर सकती हूँ. तो आज के दिन मैं सोची थी कि मैं एक आफ्टर शावर जो मेरा स्किन केयर रूटीन है वो मैं शूट कर लूँगी. तो देखो मुझे ना ऐसे विंडो के पास आके शूट करना पड़ता है बिकॉज़ जहाँ पर मेरा वैनिटी है वहाँ पर अच्छे से लाइटिंग नहीं आती है, मतलब फॉर सम रीज़न वहाँ के वीडियोस पे मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं. तो मैं फिर ऐसे बॉडी केयर, थोड़ा सा बॉडी लोशन लगाया, ये वाला लोशन बहुत अच्छा है, लाइक बॉडी एक्नेस के लिए भी अच्छा है. मैं सो लास्ट 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ एंड आई रियली लव इट. स्किन के लिए ऐसा मिनिमलिस्टिक का ऑर्डर किया था वो यूज़ कर रही हूँ, रिव्यू आप मेरे शॉर्ट्स पे देखना. एंड दिस इज़ माई आउटफिट टूडे, ऐसा ही रेडी हुई हूँ क्योंकि आज शूट करना है थोड़ा सा. तो यहाँ पर मैं कान्हा के लिए भोग लगा रही हूँ, आज का पूरा खाना मम्मा ने ही बनाया, मैंने कुछ भी हेल्प नहीं किया. कल एकादशी है तो कल की मेरी ड्यूटी है तो आज मम्मा ही कर रही है सब कुछ. यहाँ पे मैंने अपना जो भी मैं प्रेयर करती हूँ, मंत्र बोलती हूँ, हरे कृष्णा महामंत्र बोलती हूँ, वो सब किया मैंने. एंड फिर लंच में आज बहुत ही यम्मी यम्मी खाना बना था. तो देखो जो हम खाते हैं वो पहले हम भोग लगाते हैं उसके बाद ही हम खाते हैं और यहाँ पे उल्टा चश्मा तो मैंडेटरी है. बहुत ही यम्मी यम सा खाना लगा. ऐसे तो पराठा मैं शायद बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स बाद. ऐसे तो मैं राइस या रोटी ही प्रेफर करती हूँ, राइस ऑलवेज, बट रोटी मम्मा दे देती है कभी कभी. फिर आ गया है शूट का टाइम तो मैंने यहाँ पे अपना हेयर वेयर ड्राई कर लिया, मम्मा ने अपने रूम में करके दिया. तो यहाँ पे मैं थोड़ा बिहाइंड द सीन्स आप देख लो कितना कुछ रहता है. तो आज वीट का एक प्रमोशन था वो करना था, लाइक एक कोलैबोरेशन आया था तो वो कर रही थी एंड कुछ स्कैंडल हो गया. आप सुनो यहाँ पे गाइस, जस्ट लुक एट माय हैंड्स, वाई इज इन फोकसिंग. नॉट द फॉल्ट ऑफ, ये वैक्स की गलती नहीं है, इट्स माई फॉल्ट. आई नीड टू रब सम आइस. वाओ, देयर इज नो आइस. मुझे और भी वीडियो शूट करना है, आई जस्ट कांट बी स्टक ऑन दिस. दिस द सेकेंड टाइम मैंने वैक्स किया है हाथों पे एंड ऐसा हो गया है.
एक बार मैंने सैलॉन में किया था तब भी ऐसा हो गया था, लाइक आई डोंट नो माई हैंड्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव. मैं पैरों पे करती हूँ, कुछ नहीं होता. अंडर आर्म्स में मैंने अब भी किया, कुछ भी नहीं हुआ, बट हैंड्स पे. सब होने के बाद मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो चुका था, मुझे शूट करने का मन नहीं कर रहा था, बट शूट करना भी बहुत ज़रूरी था तो मैंने कर लिया. बहुत रात हो गई थी शूट करते करते, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो शूट करी थी, तो फिर मैं रूम ऐसे ही छोड़ के सो गई. ये सुबह का क्लिप है, मैं सुबह उठ के अपना रूम पूरा साफ करी वहाँ से यहाँ आके, बिकॉज आज एकादशी है एंड मुझे पूरे दिन में टाइम नहीं मिलेगा, ये भी मुझे अच्छे से पता था. तो मैंने क्या करा कि मैंने सुबह ही कर लिया. ये करीब 8:30 बजे की क्लिप है, तो मैंने अपना पूरा रूम अच्छे से साफ़ करा, जो जहाँ पे रखना है उसे वहाँ पे रखा, बेड क्लीन करा. और सुबह मुझे गंदे रूम में उठना पसंद भी नहीं है, आऊँ तो रूम अच्छा दिखना चाहिए, बट क्या करूँ, जिस दिन भी शूट होता है ना उस दिन रूम का हालत ख़राब हो जाता है, कबाड़ खाने जैसा दिखता है. कुछ इस टाइप से दिख रहा है पूरा रूम सेट होने के बाद. इट्स सो सेटिस्फाइंग, मुझे काफ़ी पसंद आता है. रूम टूर जल्दी अपलोड करूँगी. अब जाना है नहाने, तो उससे पहले कुछ कुछ चीज़ें मैं करती हूँ कभी कभी, तो वो मैं आज शेयर कर रही हूँ आज के व्लॉग में. तो पहले मैंने अच्छे से अपने हेयर्स को ना डिटैंगल किया एंड फिर एक पोनी बांधा. कभी कभी मैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीरम यूज़ करती हूँ लॉरियल का, क्योंकि इससे क्या होता है कि एंड्स जो हैं ड्राई नहीं होते हैं एंड स्प्लिट एंड्स भी नहीं होते हैं. ऊपर की तरफ इसे बन बना लिया, क्योंकि आज मैं हेड वॉश नहीं करूँगी, एकादशी के दिन हेड वॉश नहीं करते हैं. फिर मैंने लिया थोड़ा फेस मास्क, उसे अप्लाई किया. ये बहुत अच्छा फेस मास्क है, इंटरनेशनल ब्रांड है बट प्राइस काफ़ी कम है. फिर आती है थोड़ी सी टू डू लिस्ट की बारी, तो आज क्या क्या करना है वो थोड़ा बहुत लिख लिया. और आज का क्या है कि कुछ चीज़ें तो हो पाई, कुछ चीज़ें नहीं हो पाई, क्योंकि एज आई सेड, आप व्लॉग देखो आपको समझ आएगा, मुझे टाइम ही नहीं मिला. एंड ये ऐसी थी कुछ टू डू लिस्ट, मुझसे 3 चीज़ें तो कम्प्लीट हो गई थी, बस 1 चीज़ें नहीं हो पाई थी. फिर मैंने अपना जो प्लानर का फर्स्ट दिन जो जो गोल्स लिखे थे उसे थोड़ा सा देखा एंड फिर मैं नहा के प्रेयर करने लगी. एक संकल्प मंत्र होता है, उसे आज बोलना होता है अपना. जब भी फास्टिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, लाइक कल रात 12 बजे से स्टार्ट हो चुकी थी, तो पूजा के टाइम पे ऐसा बोलना होता है. एंड फिर 12 बजे आज तब मैं पानी पी सकती हूँ. मैं और मम्मा एकादशी का व्रत करते हैं, तो कुछ 3 टाइप के व्रत होते हैं. एक होता है निर्जला एकादशी, एक होता है फलाहारी, एक होता है शाकाहार कुछ बोलते हैं, जिसमें आलू खा सकते हैं एंड फल भी खा सकते हैं. तो ये कर्ड मम्मी ने घर में ही जमाया था, कर्ड के ही डब्बे में. तो फलाहारी वो लोग करते हैं जो सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, तो टू बी ऑनेस्ट मैं मैंगो एंड बनाना छोड़ के कोई और फ्रूट नहीं खा पाती हूँ, एंड मम्मा तो मैंगो छोड़ के और कुछ नहीं खा पाती है. तो मम्मी निर्जला भी रखती है एंड कभी कभी ऐसे वाले भी रखती है जिसमें आलू एंड साबूदाना ये सब हम खाते हैं. तो आज मैंने YouTube से एक रेसिपी देखा जिसमें साबूदाने की पूरी बन रही थी. हमें इस्कॉन में भी एक दिन दिया था, तो मैं बहुत ही क्यूरियस थी कि इतनी अच्छी पूरियाँ बनी किस चीज़ से, क्योंकि कुट्टू के आटे से तो बिल्कुल नहीं बनती है, वो तो कुछ स्टिकी सा होता है. तो मैंने क्या किया, पहले जैसे YouTube पे देखा था वैसे ही किया, साबूदाने को पीस के बिल्कुल उसका एकदम पाउडर जैसा बना लिया. तो उसको तो अभी आलू के साथ करना है, तो आलू बॉयल होने रख दिए एंड इधर मैं आलू भुजिया के लिए कर रही हूँ कट आलू, ये भी कर लिया. उसके बाद आज ना पूरी की पूरी किचन ड्यूटी मेरी होती है, क्योंकि मम्मी तो मंगला आरती जाती है सुबह के 5 बजे इस्कॉन में, बट मैं उस टाइम नहीं जा पाती हूँ, तो मम्मा इस टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट करती है. एंड मैं आज का जो जितना भी भोग होता है एकादशी अप्रोप्रिएट, वो सब मैं बना लेती हूँ. तो पहले मैंने यहाँ पे आलू को फ्राई होने के लिए रख दिया, इसे आज हम साबूदाने के पूरी के साथ खाएंगे एंड पेट भी भर जाएगा इससे. तो बहुत ही कम कम सा ही खाते हैं, सो दैट की प्रॉब्लम भी ना हो एंड व्रत भी हो जाए अच्छे तरीके से. तो यहाँ पे आटा गूंद रहा था एंड मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थी कि ये होगा भी कि नहीं होगा. एंड देखो मेरा रिएक्शन काफ़ी अच्छा था, ये अच्छे तरीके से हो तो गया था, बट आई वाज वेरी टेंस कि ये कैसे मैं इसको बेलूँगी एंड ये फूलेंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे से तो कभी कभार आटे की पूरियाँ भी नहीं फूलती है. तो आई वाज वेरी टेंस. तो पहले मैंने इससे कट किया, तो वो ना बहुत छोटे छोटे बन रहे थे. फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब ये फूल तो रहे हैं तो मुझे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, तो चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं. एंड फिर मैंने कटोरी का यूज़ किया,
तो मेरे घर में ऐसे भी कोई भी नॉनवेज नहीं बनता है, ऑनियन गार्लिक कुछ भी नहीं बनता है। सो इसीलिए सारे के सारे बर्तन भी बहुत ज़्यादा लाइक व्रत अप्रोप्रिएट ही है। मैं बहुत खुश थी इस पॉइंट ऑफ टाइम में। आप देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे तरीके से मेरी पूरियाँ बनी थी। एंड आप बिलीव करो, ये सिर्फ 2-3 चीज़ें बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लग गए, बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो चलो कान्हा के लिए भोग सर्व करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ना, हम ये वाली जो रेसिपी है आलू की, ये मैं आपको नेक्स्ट एकादशी में जब व्लॉग करूँगी तब दिखाऊँगी। हम पहले सिर्फ यही खाते थे, बट इस बार मैंने सोचा कि अगर पूरी बनती है तो बन जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा ये भी रखा है साथ में। ये रहे हमारे कान्हा, हरे कृष्णा। और फिर मैंने भोग लगा दिया। हम बस एक ही बार खाते हैं, ये खाते हैं रात में कुछ प्रसाद में दिए हुए फल। बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है कान्हा के लिए व्रत रखना। साथ ही साथ आज बहुत अच्छा दिन है कि आज हमारे इस्कॉन में सैटरडे है, तो वहाँ पे भगवत गीता की क्लासेस भी हैं एंड साथ में संकीर्तन भी है जो महीने में 2 बार होते हैं। तो अभी तो मम्मी ने बोला तुम चुपचाप जाके रेस्ट करो, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ बिकॉज मैं बहुत थक गई थी। मैं कंटिन्यू खड़ी थी उस टाइम से। मम्मी किचन साफ करेगी एंड बर्तन वगैरह धोएगी, तो वो मम्मी का टास्क हो गया। मैं सो गई, सोई तो नहीं, मतलब थोड़ा सा रेस्ट करा, दैट्स इट। उठ गई 4:30 तक एंड बस मैं अपने भाई को डांट रही हूँ। मैं बोल रही हूँ तुम स्लीपर्स पहनो, तुम शूज़ मत पहनो, क्योंकि टेम्पल है, उतारना पड़ेगा, क्यों उतना करना है। फिर मैं ऑटो ऐसे मैंने ऊबर बुक करा एंड हम लोग चलने लगे। यहाँ पे बैठ के ही मैंने आज का शॉर्ट्स भी एडिट कर लिया, पोस्ट भी कर दिया, सब कुछ हो गया। आई वॉज़ वेरी हैप्पी क्योंकि दिन बहुत अच्छा अच्छा जा रहा था। मैं जैसे जैसे सोच रही थी वैसे वैसे जा रहा था। क्लास हमने स्टार्ट करा। डिफरेंस है हमारा, में डिफरेंस ये है कि आप पूछ सकते हैं, समझ आ रहा है? तो अभी पूछ रहा है तो उसका मतलब क्वेश्चन है, सवाल। आज था भगवत गीता का 3rd चैप्टर का क्लास। 1st हो चुका था, वही प्रभु जी लास्ट क्लिप में रिवाइज करवा रहे थे एंड फिर 2nd एंड ये चल रहा है 3rd। मृत्यु के निकट का अनुभव शरीर से बाहर का, मतलब कभी कभी हम अपने चेतना को बाहर निकाल देते हैं। एक एग्जांपल दीजिए। अच्छा, जब हम सोते हैं सपना देखते हैं। और क्लास ख़त्म हुई एंड कीर्तन स्टार्ट हो गई, तो अब मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप नेचुरल वॉइस एंजॉय करो। करूँगा